हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं एक टियर 3 कॉलेज की पास आउट हूँ एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन बैंगलोर एट अ वेरी गुड पैकेज। बट जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, आई नो कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब के टाइम पर बहुत स्ट्रगल करते हैं, जिन्हें जॉब लगने में बहुत दिक्कत होती है। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल दोज प्रॉब्लम्स विच वी फेस एज टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स एंड मैंने अपने तरीके से क्या सोल्यूशंस निकाले सो दैट आई कैन गेट अ गुड जॉब एंड आई एम श्योर दोज टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज विल हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम जॉब। सो जब सोल्यूशन पता हो ना तो दिक्कतें नहीं लगती और उनको फेस करने में डर नहीं लगता। अब यार, बड़े कॉलेज का सपना हम सब देखते हैं, हम सबको IITs या NITs में जाना होता है। बट यू नो वॉट, इट डजेंट रियली मैटर कि तुम IIT से हो या नहीं हो। चलो तुमने टियर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो तुम तब तक IITians और NITians से पीछे हो जब तक कि तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो जाता। एक बार ही अच्छी जॉब लग जाती है तो कोई पूछता भी नहीं है कि तुम किस कॉलेज को बिलोंग करते हो। एंड ये हमारे दिमाग में ही होता है कि वाइल वी आर स्टडिंग, वाइल वी आर इन द कॉलेज, हम अपने दिमाग में ही कंपेरिजन करने लगते हैं कि यार हमारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, जो प्रोफेसर्स हैं दे आर अंडर क्वालिफाइड एंड टॉप रिक्रूटर्स से इतना एक्सपोजर नहीं है, द बिग ब्रांड्स, द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर नॉट विजिटिंग आर कैंपस, थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं है, कोडिंग का कल्चर नहीं है, एंड दैट समहाउ हेल्प्स अस, लाइक दैट समहाउ मेक अस लैग इन द स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस। एंड हमारा वो जो स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बट एक बार ही तुम इन प्रॉब्लम्स को फेस कर लोगे ना एंड इन प्रॉब्लम्स को टैकल करके विनर बन के जब बाहर आओगे ना तुम बाहर की दुनिया में, तब तुम्हें जो भी चैलेंजेस तुम्हारे सामने आएंगे, यू विल बी एबल टू फेस देम वेरी एफिशिएंटली और तुम्हें लगेगा ही नहीं कि दीज प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग। सो बस खेल पूरा इतना है कि तुम इन प्रॉब्लम्स को टैकल करो एंड कम आउट ऑफ इट एज अ विनर। मेरी जो ऑफिस की टीम है ना, वो मोस्टली IITians और NITians की है। तो इनिशियली कई बार मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ करता था, मुझे ऐसा लगता था दैट आई डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। बट एज टाइम पास्ड बाय, जैसे मेरी लर्निंग्स इंप्रूव होती गई, आई गॉट टू रियलाइज कि मेरा जो सेल्फ डाउट था ना, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक चीज़ का ध्यान रखो यार कि मेरे अचीवमेंट्स तो कुछ भी नहीं है यार, मैं जब लोगों के इंस्पिरेशंस को सुनती हूँ ना, जब उनकी स्टोरीज को सुनती हूँ, आई गेट इंस्पायर्ड अ लॉट एंड आई थिंक कि लोग कहाँ कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचते हैं और हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे रह जाते हैं। सो थिंक इट इन दिस वे कि अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करो एंड जब तुम्हारे सपने बड़े होते हैं ना, तो उनको पूरा करने के लिए चाहत रखोगे अगर, तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें रोक नहीं सकती है। इंटरनेट ने यार वैसे भी हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, तो कॉलेज पर कोई डिपेंडेंसी ही मत रखो। कॉलेज जाओ जस्ट टू गेट अ गुड CGPA। वो कॉलेज आर्ट्स की जो पढ़ाई होती है ना, उसको बढ़िया से पढ़ो ताकि तुम्हारा अच्छा नंबर आ जाए। जो एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तुम्हारी फॉर एनी प्लेसमेंट, एनी जॉब, एनी ड्रीम कंपनी, दैट विल स्टार्ट आफ्टर योर कॉलेज आवर्स। तो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कॉलेज आवर्स के बाद स्टार्ट करो। ऑनलाइन लेक्चर्स की बात करूँ अगर, अच्छे अच्छे बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल के थ्रू तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम इसके लिए परेशान मत हो कि प्रोफेसर्स अच्छे नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। देन अगर स्किल डेवलपमेंट की बात है, सो यू कैन गो फॉर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ, दैट विल हेल्प यू इंप्लीमेंट दैट नॉलेज विच यू हैव लर्न फ्रॉम द कोर्सेज। सो दिस विल हेल्प यू इन स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद जो भी एलुमनाई का सर्कल मिल रहा है तुम्हारा लिंक्डइन के थ्रू या जहाँ भी, ट्राई टू कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पीपल एंड बिल्ड योर नॉलेज। कोई मन में डाउट आए, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क, क्लैरिफाई दैट डाउट एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग। मेक योर सेल्फ एंड योर स्किल अ ब्रांड। इसके अलावा पता है, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होगा ना, तो यू विल बी एबल टू रीच आउट टू द रिक्रूटर्स, यू विल हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ योर alumni एंड ऑल दीज थिंग्स विल एड ऑन एंड हेल्प यू गेट अ गुड जॉब। चलो अब बात करते हैं जॉब सर्च स्ट्रैटेजीज की। तो सबसे पहले एक बढ़िया लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐसे रखो कि वो फुली प्रोफेशनल हो और तुम्हारी जो भी स्किल्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से तुम्हारी प्रोफाइल में मैंशन हो। एड कीवर्ड्स बिकॉज दैट विल मेक यू आइडेंटिफाइबल। रिक्रूटर्स जनरली कीवर्ड्स टाइप करते हैं एंड अगर आपका प्रोफाइल उस कीवर्ड से मैच होता है एंड इफ दैट कीवर्ड इज देयर इन योर प्रोफाइल, यू विल बी विजिबल। तो वो आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी जॉब सर्च जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगी। अब बारी आती है एक इफेक्टिव रिज्यूमे की। एक बढ़िया रिज्यूमे तुम्हारी जॉब सर्च जर्नी को बहुत सिंपल कर सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि हम कंपनीज के लिए अप्लाई करते हैं एंड देन हमें रिजेक्शन मेल आता है एंड हमें समझ में नहीं आता कि व्हाट वेंट रॉन्ग. अभी तो कुछ किया ही नहीं, एग्जाम तो दिया ही नहीं, इंटरव्यू तो दिया ही नहीं, हाउ कम दे रिजेक्टेड मी. सो वहाँ पर तुम्हारा रिज्यूमे सही नहीं है, दैट्स वाई यू डिड नॉट गेट शॉर्टलिस्टेड. इसको रिजेक्शन नहीं, नॉट शॉर्टलिस्टिंग कहते हैं. तो एक बहुत बढ़िया रिज्यूमे बहुत ज़रूरी होता है. अब क्या क्या इंक्लूड करो, तो तुम अपनी डिग्री, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, टूल्स, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, नॉर्मल जो तुम्हारा अगर कोई एक्सपीरियंस है तुम उसको मेंशन करो एंड मेंशन एवरीथिंग इन शॉर्ट एंड डिटेल्ड वे. मतलब एक लाइन भी लिखो तुम तो तुम उसका जस्ट समझ में आना चाहिए कि तुम क्या कहना चाहते हो. एंड जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो भी तुम बढ़िया से मेंशन करो. इससे क्या होगा कि तुमको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी एंड योर रिज्यूमे विल गेट हाईलाइटेड, बिकॉज छोटा है, पढ़ने में आसानी है, सारी चीज़ें उसमें मेंशनड है. तुम्हारा बढ़िया रिज्यूमे होगा तो यू विल डेफिनेटली गेट शॉर्टलिस्टेड इन द जॉब सर्च प्रोसेस. एंड ऑल्सो जो भी तुम्हारा जॉब प्रोफाइल है उसके लिए जो तुम रिज्यूमे बना रहे हो, हर जॉब प्रोफाइल के लिए सेम रिज्यूमे काम नहीं करता है. सो जब भी अलग जॉब प्रोफाइल के लिए तुम्हें कॉल आए, मेक श्योर यू मॉडिफाई योर रिज्यूमे एंड देन अप्लाई इट, देन ओनली इट विल गेट शॉर्टलिस्टेड. एक बार ही तुम्हारा रिज्यूमे बन जाए तो उसके बाद अपने रिज्यूमे को जो भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे कि इंडीड है, नौकरी है, इन सब पे जाके लिंक करो एंड रोज़ थोड़ा टाइम दो इन प्लेटफॉर्म्स पर जाके, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ये सर्च करो कि कौन सी कंपनी तुम्हारे काम की है, कौन सी जॉब प्रोफाइल तुम्हारे काम की है एंड डू अप्लाई फॉर इट. यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, मतलब कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर, करियर पोर्टल पर डायरेक्टली जाकर तुम अपना रिज्यूमे डाल सकते हो. सो जब भी ओपनिंग आएगी तो योर नेम विल गेट शॉर्टलिस्टेड. सो दिस इज ऑल्सो वन वे टू मेक योर जॉब सर्च ईजियर. इसके बाद आता है करियर फेयर. तो करियर फेयर में भी थोड़ा अवेयर रहो और करियर फेयर के लिए रजिस्टर करो. वहाँ पर एम्प्लॉयर्स आते हैं तो तुम डायरेक्टली उनसे मिल के डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो. सो यू कैन गो फॉर करियर फेयर एज वेल. अब इसके अलावा यार ऑफ कैंपस है, पूल कैंपस है एंड बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट एग्जाम्स हैं जिसके लिए तुम रजिस्टर कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, अपियर हो सकते हो ऑफ कैंपस एंड पूल कैंपस के लिए. बट इन सब के लिए तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अवेयर रहो, एक्टिव रहो और मतलब इधर उधर अपडेटेड रहो, देखते रहो कि कहाँ कौन सी जॉब ओपनिंग आ रही है, सो दैट यू कैन कीप अप्लाइंग एंड ऑल्सो यू डोंट मिस इवन अ सिंगल अपॉर्चुनिटी विच यू गेट. इसके बाद आती है तुम्हारी कोडिंग और इंटरव्यू की प्रिपरेशन. तो कोडिंग और इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती है कि आज तुमने एग्जाम के लिए अप्लाई किया या आज तुमने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करा एंड तुम दो दिन में प्रिपेयर कर लोगे, तो दैट डजेंट हैपन. कोडिंग और इंटरव्यू की प्रिपरेशन तुम्हें पैरेलली करती रहनी पड़ेगी. एंड जब भी कोई कोडिंग कॉम्पिटिशन हो, अगर तुम्हें तुम्हारी स्किल पर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है ना, सो गो फॉर दोज कॉम्पिटिशंस. रिजल्ट चाहे जो हो, एट द एंड ऑफ द कोडिंग कॉम्पिटिशन यू विल रियलाइज दैट वेयर डू यू स्टैंड. सो मेक श्योर यू एनालाइज योर सेल्फ, योर स्किल्स टाइम टू टाइम. इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा तरीका होता है जॉब सर्च का एंड दैट इज थ्रू रेफरल्स. अब रेफरल्स का देखो, बहुत लोगों का मुझे भी DM आता है कि दीदी रेफर कर दीजिए, दीदी रेफर कर दीजिए. मैं किसके लिए रेफर करूँ, मुझे क्या पता तुम्हारी स्किल कैसे मैच कर रही है. सो रेफरल का बेस्ट तरीका ये है कि तुम कंपनी के जॉब पोर्टल पे जाओ, जिस भी कंपनी के लिए टारगेट कर रहे हो उसके करियर पोर्टल पे जाओ एंड देन जो भी तुम्हारी जॉब प्रोफाइल मैच कर रही है, जिसके लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो, उसकी एक जॉब आईडी मेंशनड होगी. उस जॉब आईडी को कॉपी करो एंड वो जॉब आईडी अलॉन्ग विथ योर रिज्यूमे सेंड टू द पर्सन जिससे तुम चाहते हो कि वो तुम्हें रेफर कर दे. तो एक बार ही तुमको जॉब आईडी मिल जाएगा तो गो ऑन लिंक्डइन, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो उस कंपनी के एम्प्लॉय को, एक को नहीं चार पांच को भेज दो एंड देन वो जॉब आईडी और रिज्यूमे उन्हें फॉरवर्ड करो एंड सेंड अ मैसेज, अ रिक्वेस्ट मैसेज दैट प्लीज़ प्रोवाइड रेफरल टू मी. सो दिस वे ऑल्सो यू कैन गेट अ गुड जॉब एंड बिकॉज रेफरल्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एट हाई प्रायोरिटी, सो दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर. फिर आता है इंटरव्यू वाला पार्ट, विच इज़ अ टाइम टेकिंग एंड अ टीडियस एंड अ पेशेंस वाला टास्क. सो वंस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू का टाइम आ रहा है तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से इंटरव्यू दो. बट नॉट एवरी वन गेट सक्सेस इन वन गो. सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड देन गो फॉर इट अगेन. जब तक तुम अपनी ड्रीम कंपनी क्रैक नहीं कर लेते, गो फॉर मल्टीपल ऑफर्स एंड गो फॉर मल्टीपल इंटरव्यूज. दिस विल गिव यू अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एट द एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब विच यू वॉन्ट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा. सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट व्हेनेवर आई पुट अ न्यू वीडियो यू गेट अपडेटेड. थैंक यू.